गुड इवनिंग यू ऑल। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और उसी टॉपिक का साथ साथ चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। सो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम का इम्पैक्ट इंडियन एजुकेशन पर, ठीक है। तो ऐसे तो अभी इंग्लिश का, अंग्रेजी का जो भूत लोगों में ऐसे चढ़ा है कि जो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो हम लोग वेस्टर्न एजुकेशन को भी ख़राब नहीं कहेंगे। वेस्टर्न एजुकेशन से भी बहुत सारा चीज़ हम लोग को सीखना है, ठीक है, और सीखे है। साथ साथ इंडियन कल्चर को हम लोग को भुलाना नहीं है, और इंडिया का जो प्रशंसा जो वर्ल्ड करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन का, जो लोग इंडियन सिविलाइजेशन का जो कायल जो है, तो इसको हम लोग भी भूलना नहीं चाहिए। तो जिस भी हम लोग पले हैं, बड़े हैं, उस सिविलाइजेशन को हम लोग किस कैसे हम लोग भूल सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर भी इंडिया में भी ऐसे लोग भी थे जिन लोगों ने इंडियन सिविलाइजेशन को भी, इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन लैंग्वेज, इंडियन कल्चर को भी बढ़ावा दिया। साथ साथ वेस्टर्न एजुकेशन में भी जो अच्छाई है उसको भी साथ साथ लेकर के चले। तो उनमें से थे आपका जैसे कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, उसको प्रेजेंट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते थे, उनका फाउंडर सर सैयद अहमद खान, ठीक है। तो सर सैयद अहमद खान जो है ये एक मुस्लिम रिफॉर्मर थे और एजुकेशनलिस्ट थे, साथ साथ फिलोसोफर थे, ऑथर थे, दैट मीन्स बहुत सारे गुणों से भरे हुए व्यक्ति थे ये, ठीक है। और इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो साइंटिफिक सोसाइटी का इस्टेब्लिशमेंट इन्होंने किया अलीगढ़ में, अलीगढ़ प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश में, ठीक है। एक साइंटिफिक सोसाइटी का इस्टेब्लिशमेंट करते अलीगढ़ में, ठीक है, और वहाँ पर जो है मुस्लिम स्कॉलर्स वगैरह इकट्ठा होते थे और मुस्लिम स्कॉलर्स अपना नॉलेज का शेयर करते थे। और इसी तरह से ये लोग जितना भी आपका इम्पोर्टेंट एजुकेशनल टेक्स्ट वगैरह जो होगा उसको उर्दू में ट्रांसलेट करने का काम करते थे, ताकि मुस्लिम पीपल में एक अवेयरनेस ला सके और साइंटिफिक जो नॉलेज भी उन लोगों में हम लोग प्रोवाइड कर सके। इसलिए ये साइंटिफिक सोसाइटी का फाउंडेशन किए थे सर सैयद अहमद खान ने, ठीक है। और 1869 में सर सैयद अहमद खान जो है इंग्लैंड विजिट करते, और इंग्लैंड विजिट करने का इनका जो मकसद जो था कि इनको वहाँ पर एक अवार्ड दिया गया था, जो ऑर्डर ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया अवार्ड इनको वहाँ पर मिला था। और उसी दौरान जब वो इंग्लैंड विजिट किए और इंग्लैंड का जो एजुकेशनल सिस्टम वहाँ पर इन्होंने देखे, इंग्लैंड का जो एजुकेशन सिस्टम इन्होंने देखे, तो उससे ये इंस्पायर हुए। और इंस्पायर होने के बाद इन्होंने 1875 में एक इंग्लैंड बेस्ड, दैट मीन्स इंग्लैंड का जो पब्लिक स्कूल है उसी तरह का मॉडल में यहाँ पर एक स्कूल का सेटअप करते हैं, और स्कूल का नाम है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है, अलीगढ़ में सेटअप करते 1875 में। और यहाँ पर जिसके मैंने पहले आपको बता दिए कि सर सैयद अहमद खान जो है ये ऐसा व्यक्ति थे जिन्होंने इंडियन कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज इसको भूले नहीं इन्होंने, साथ साथ जो वेस्टर्न एजुकेशन में जो अच्छाई आए उसको भी साथ लेकर के चले। तो नहीं तो लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि इंग्लिश का जैसे दीवाना हो गए तो अपना जो पहचान भी भूल गए, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए एक छोटा सा पहले एक शायरी कह दूँ, वक्त बीत जाए तो लोग भुला देते हैं, वक्त बीत जाए तो लोग भुला देते हैं, वे वजह लोग अपने को भी रुला देते हैं, वे वजह लोग अपने को भी रुला देते हैं, जो दिया रात भर रोशनी देते हैं, जो दिया रात भर रोशनी देते हैं, सुबह होते ही लोग उसे भी बुझा देते हैं, तो ऐसे लोगों का तो कमी नहीं है हमारा सोसाइटी में, कि अपना कल्चर, अपना सिविलाइजेशन, अपना माँ बाप सबको भूल भी जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हमारा पास कहने के लिए ऐसा कुछ तो है नहीं, जो भी हो। तो इनमें से नहीं थे और सर सैयद अहमद खान। तो इन्होंने यहाँ पर आपका मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का सेटअप करते,
और यहाँ पर जो सब्जेक्ट वगैरह पढ़ाया जाता था, जैसे कहा दिए कि साइंटिफिक एंड वेस्टर्न सब्जेक्ट तो था ही, क्योंकि वेस्टर्न जो एडुकेशन में जो अच्छाइयाँ था इसको भी अडॉप्ट करना चाहते थे, इसीलिए साइंटिफिक एंड वेस्टर्न सब्जेक्ट तो वहाँ पर था ही, और साथ साथ ये अपना कल्चर ट्रेडिशन को भी साथ साथ लेकर के चलने वाले व्यक्ति थे, तो ये ओरिएंटलिस्ट सब्जेक्ट डेट मीन्स इंडियन सब्जेक्ट्स वगैरह भी यहाँ पर पढ़ाया जाता था, और रिलीजियस एडुकेशन भी साथ साथ लेकर के चलते थे, ठीक है, ताकि अपना धर्म को भी लोग ना भूले। ओके, और यहाँ पर जनरली वेस्टर्न एडुकेशन का भी अच्छाइया को एडॉप्ट करने के लिए वहाँ का जो इंग्लिश प्रोफेसर वगैरह, जैसे कि मॉरिसन, आर्नोल्ड, तो बहुत सारे इंग्लिश प्रोफेसर वगैरह ने भी यहाँ पर सॉल्व किए हैं, ठीक है। और 1920 में ये MAO दैट मीन्स मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम से जानते 1920 से, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रेजेंट में है ही, ठीक है। और इसके बाद इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग दैट टाइम, ये अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड थोड़ा सा इसमें एक छोटा सा टॉपिक था, ये सब टॉपिक नहीं है वो, दैट मीन्स उस समय बाकी देश में क्या हो रहा था बोल करके एक ये चैप्टर से हट करके टॉपिक है, जो भी हो उसी समय अगर देखेंगे हम इंग्लैंड में, तो एडुकेशन एक्ट पास होता है 1870 में यूके में, और एडुकेशन एक्ट 1870 में यूके में जब पास होता है तो उसके बाद ही इंग्लैंड में भी जो एडुकेशन जो है कंपलसरी एडुकेशन का जो सिस्टम जो है इंग्लैंड में भी उसके बाद ही हो शुरू हुआ है 1870 के बाद ही, ठीक है। ओके, तो चैप्टर यहीं से हम लोग का ख़त्म होते हैं, तो यही कह दूँ कि इंग्लिश का भूत इस तरह से चढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है, वेस्टर्न एडुकेशन को भी अडॉप्ट करना है, उसका अच्छाई को भी अडॉप्ट करना है, और अपना कल्चर संस्कृति को भी भूलना नहीं है, तो इसीलिए एक छोटा शायरी बोलते हुए चैप्टर को ख़त्म कर दूँ, ठीक है। खुद को कर बुलंद इतना, खुद को कर बुलंद इतना कि हिमालय की चोटी पर जा पहुँचे, खुद को कर बुलंद इतना कि हिमालय की चोटी पर जा पहुँचे, और खुदा तुझसे पूछे, और खुदा तुझसे पूछे कि अरे गधे उतरेगा कैसे, अरे गधे उतरेगा कैसे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू, गधे आपको नहीं बोले, सॉरी, ये एक जस्ट हंसाने के लिए, ठीक है, ह्यूमर, थैंक यू, बाय।